हेलो दोस्तों, नमस्कार। जी हाँ दोस्त, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे पांच कलाकार के बारे में जिसका गाना बिहार में सबसे ज्यादा बजता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप यह वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पांचों कलाकार के बारे में पूरा जानकारी देने वाले हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्त, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी इस प्रकार का वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रवण और आप देख रहे हैं स्टार केन यूट्यूब चैनल। तो दोस्त, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अवधेश प्रेमी के बारे में, जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते होंगे। बिहार के मशहूर कलाकार हैं। और जी हां दोस्त, अवधेश प्रेमी 3 साल कलाकारी में मेहनत किया और उसके बाद जाके एक गाना सक्सेसफुल हुआ है, और उस गाना का नाम है भतार जब सलेंसर चुआवी। जी हां दोस्त, आप यह गाना जरूर सुनेंगे। तो चलिए दोस्त, अब हम दूसरे कलाकार के बारे में आप लोगों को बताते हैं। और वो कलाकार बहुत ही गरीब लड़का है और कास्ट में सहनी है, और दोस्त उसका घर अभी तक नॉर्मल ही है, लेकिन फिर भी वो अपने मेहनत से काफी आगे बढ़ चुका है। और उस कलाकार का नाम है धड़कन धनंजय, जिन्हें आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे। और धड़कन धनंजय का जो पहला गाना है काफी लोगों ने पसंद किया है, उस गाना का नाम है पिया हूँ परदेश में कैसे डोज की रोज बर्दाश्त करेला। जी हाँ दोस्त, ये गाना आप जरूर सुने होंगे। तो चलिए दोस्त, अब हम तीसरे कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्त, यह एक ऐसा कलाकार है जो 12 साल के उम्र में कलाकारी करना शुरू कर दिए थे, और 12 साल के उम्र में एक गाना गाया था और वो गाना लोगों ने काफी पसंद किया था। जी हाँ दोस्त, उस कलाकार का नाम है मिठू मार्शल, और मिठू मार्शल का जो पहला गाना है काफी लोगों ने पसंद किया था। करीब 12 साल के उम्र में गाना वो गाया था, उस गाना का नाम है लगा के थर्मामीटर। ये गाना आप जरूर सुनेंगे, लेकिन आप चौंक सकते हैं क्योंकि ये गाना बहुत ही पुराना हो गया है। छोटी सी उम्र में किसी का गाना सक्सेसफुल नहीं होता है, और मिठू मार्शल का इतनी छोटी सी उम्र में भी गाना काफी लोगों ने पसंद किया था और ये गाना काफी ज्यादा चला था। जी हाँ दोस्त, अब हम चौथे कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं। उस कलाकार का नाम है शशिलाल यादव। जी हाँ दोस्त, इन्हें आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे। शशिलाल यादव भी बहुत मेहनत किए और उसके बाद जाके सक्सेसफुल सिंगर बने हैं। और दोस्त, शशिलाल यादव का भी पहला गाना है जिस गाने से हिट हुए हैं, और उस गाना का नाम है एगो चुम्मा ल मरले बा चार बेलना। जी हाँ दोस्त, ये गाना आप जरूर सुने होंगे। तो चलिए दोस्त, अब हम पांचवें कलाकार के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं, जो मैथिली का सुपर स्टार बन गए हैं और मैथिली में सबसे ज्यादा गाना बजता है उस कलाकार को। शायद आप लोगों को मन में यह बात खुल गया होगा कि मैं किन के बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्त, बंसीधर चौधरी के बारे में। जी हाँ दोस्त, बंसीधर चौधरी मैथिली के सुपर स्टार बन गए, और बंसीधर का गाना काफी लोग पसंद करते हैं बिहार में। और दोस्त, बंसीधर चौधरी का जो पहला गाना है और उस गाने को काफी लोगों ने पसंद किया है, उस गाने का नाम है भोला बाबा के जलवा चढ़ावे नीमन दुल्हा मिलतोगे। जी हाँ दोस्त, ये गाना मैथिली है और इसे काफी लोगों ने पसंद किया था, और इसी गाने की वजह से बंसीधर चौधरी आज इतने बड़े सिंगर बन गए हैं। और बंसीधर चौधरी का मेन डायरेक्टर अलवेला जी ही है, और जो बंसीधर स्टूडियो में गाना गाते हैं उस गाना का नाम भी अलवेला रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। तो चलिए दोस्त, आप पांचों कलाकार में कौन सा कलाकार का गाना आपको अच्छा लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्त, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी इस प्रकार का वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।